हेलो गाइस, वेलकम टू टीआईएमसी मूवी टॉक। और ये लड़की छुरी के साथ खेल रही है, ये देख रही है और मुझे डर लग रहा है क्योंकि हमने राज रीबूट का ट्रेलर देख लिया है। राज को राज मत रहने दो सुनंदा, क्या लगता है ट्रेलर से कुछ कहानी का तुम्हें पता लग रहा है? कहीं से सिर पैर पकड़ पा रही हो तुम? नहीं, मुझे पूरा समझ आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है बहुत आसानी से। मोना होशियार है, इमरान हाशमी है, कृति खरबंदा है और गौरव अरोरा है। अब ये दोनों यंग कपल है, देर अपेरेंटली बेस्ड आउट ऑफ रोमानिया, दे सेटल देयर, वेरी नाइस प्लेस बाय द वे, वेरी नाइस सुंदर जगह। इमरान हाशमी इज transposing from somewhere, कुछ कुछ कर रहे हैं। बाथरूम से भी कई बार निकलते हैं। He's basically trying to fix things all by kissing the girl. Kissing the girl. Yeah. All by kissing the girl. But it obviously seems वो जगह जहाँ पर वो रह रहे हैं, it's haunted. The husband is not really able to come to terms with the fact that it's haunted. The girl is of course very understandably harrowed. And but basically Imran Hashmi always comes to the प्रिया, तुमने बहुत सारी हॉन्टेड फिल्में देखी हैं, हॉरर इन्हें बहुत पसंद है। या आई लव हॉरर। सो इस ट्रेलर से क्या नुक्ताकशी करना चाहोगी? आई डोंट फाइंड इट स्केरी एट ऑल, एंड आई एम द काइंड ऑफ पर्सन, अगर मैं यू नो इवन इफ आई हियर अ लिटिल बिट ऑफ लाइक साउंड इन माय हाउस आई गेट स्केर्ड। तीन ही किरदार हैं इस कहानी में, गौरव अरोड़ा, इमरान हाशमी और कृति खरबंदा। इमरान के बारे में तो हम सब जानते हैं, तो सभी जानते हैं इमरान के बारे में, बट आई थिंक ही इज आल्सो अ गुड एक्टर। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट गौरव? ये मुझे तो बस एक लड़के लगे जो ब्लो ड्राई करवा के सीन्स कर रहे हैं, बट बाकी मुझे ऐसा। मैंने भी ब्लो ड्राई कराया है, बट आई एम श्योर से आई एम नॉट गोना जज द बुक बाय इट्स कवर। मिस खरबंदा, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आई थिंक शी लुक्स गुड इन द फिल्म, एंड आल्सो हर एक्सप्रेशंस आर प्रीटी गुड एक्चुअली, व्हाटएवर आई सॉ फ्रॉम द ट्रेलर। शी इज लाइक अ वेरी कमर्शियल एक्ट्रेस, एज अ व्यूअर आई फील लाइक फॉर हर डेब्यू फिल्म शी इज लुकिंग गुड, एज इन यू नो इट्स अ व्हाई रीबूट देन? Boot pe boot reboot. They want to scare us more, you know, it's like the fear factor will be high, but let's see. Also another thing that I'm sure the director has to take care of in this particular, because it doesn't sell any titillation, if you know what I mean to say? Like for example, the other films like Ragini MMS, yes, were selling some kind of sex along with it. They're not selling some kind of, they're not, these guys are not really selling the sex symbol. Imran Hashmi. They're selling the sex. But there's a story. Kabitaj Bachcha. Absolutely, yeah. There is a story. Yeah. You know, and some element of like fear, and then, you know, like that whole love story. Yeah. So let's just hope that it has a really, really tight horror script. People will like this film. You know, people might like. There is a section of the society, or you know, the niche market that would actually like the film. The songs are also nice. By the way, that's a Imran Hashmi. Yeah. Imran Hashmi songs always. But production always good. Yeah. Are you gonna go watch it, Riya? Maybe. Actually, if you join me. If you guys, you know, come, definitely we'll go watch. मुझे देखिए बहुत डर लगता है भूतों से, तो मैं जाऊंगा तो सही, लेकिन मैं बिल्कुल पॉपकॉर्न की बकेट लेके बैठूंगा साथ में, ताकि मैं खाता रहूं तो ध्यान मेरा बढ़ जाए। एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे, और बदले में यूपी बिहार ले ले। इतनी बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हम एक चुम्मे के लिए नहीं दे सकते, हमें माफ कीजिएगा। खैर बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है जिस पर हम डिस्कशन करने वाले हुए हैं, फेमस लिप लॉक। टू बेटर लिप लॉक टू स्टार्ट विद इज विद द मास्टर हु इज ऑफ कोर्स वे अहेड ऑफ हिज टाइम्स, श्री राज कपूर जी, जिन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम बनाई थी, जिसमें ज़ीना तवान जो थी, शी वाज लुकिंग लाइक द बॉम, and underneath the waterfall in that sheer sari, she had this intense lip lock with Shashi Kapoor. But there was this really bold actress, Devika Rani, who actually dared to challenge that time, you know, and she had a famous lip lock with Himanshu Rai, who also happens to be her husband. Let's talk about the real people here. Yeah, Imran Hashmi, to see, he's an institution. Chummo ki duniya ka Behtaj Badshah. I'm sure if a director unke paas ek film leke narration ki aata, to wo bolte, haan, kiske ilawa aur kya hai? What about Raja Hindustani, Aamir Khan and Karishma Kapoor? That was a beautiful sequence. No offense, that was a very beautiful sequence. Yeah, you for sure. Humne TikTok ke paise jyada diye the. But guys, I'll tell you something, okay? Kissing in a Hindi film, I mean, it's a taboo. They would come close to each other. They would, you know, show like those two flowers. But then showing something else, you know, beyond kissing, yeah. Imagine how big of a deal that would be. There's such a furore just with like a simple kiss. I mean, do you remember the kind of controversy that was surrounding Fire? Exactly. Yes. Shabana Azmi and Ananta Das. There was a lot more happening in the film. But the film obviously wasn't about physical intimacy exactly. Only. It was about greater and more impactful topics. Stereotyped the whole process where you make love. What about Ranbir Kapoor and Deepika Padukone, the former item
किसिंग इन तमाशा एंड लॉट ऑफ टाइम्स वो अपने हिस्से की मेहनत करते जा रहे हैं दिल पर बचना है हसीनो ही किस नहीं बची लड़कियां उसमें हसीना कहां बची उसमें भैया एंड मिनिशा लांबा सिद्धार्थ मल्होत्रा कैटरीना कैफ तेनु काला चश्मा एंड दे लुक ब्यूटीफुल ऑन स्क्रीन टुगेदर अमेजिंग दे लुक ऑन स्क्रीन दैट्स दे वेरी फिट एक दूसरे के बिल्कुल डील डॉल वाले लगते हैं जो एक दूसरे भिड़ जाएंगे और काफी बार भिड़े कुर्सी पे भिड़े कमरे में भिड़े हैं बुक शेल्फ पे भिड़े हैं एक दूसरे से क्लोजर ले रहे थे वो कुछ समझ रहे थे मलिका शरावत यू नो द टाइग्रेस फ्रॉम हरियाणा शी केम एंड शी लिटरली बजूकाड हर वे थ्रू द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री विद 17 केसेस इन इंक्वायरी 10 और 7 17 पपियां बट लिसन डूड शी डिड व्हाट शी हैड टू डू एंड शी डिड एक्सीलेंटली एंड व्हेनेवर शी लुक्स शी यू सी ऑन आवर स्क्रीन आपको लगता है सही अच्छी दिखती है भाई वो करते हैं इनको लगता है सही मुझे बहुत पसंद है वो बच्ची जो है मेहनती टॉक अबाउट द कंट्रोवर्शियल किसिंग ऑफ Randeep Hooda and Saqib Saleem. Yeah. There was a nice idea actually. Mainstream Indian cinema, हम लड़का लड़की तो दूर बहुत पीछे रह जाते हैं. लड़का लड़का ले आए हम दो. Which would be your favorite, scene of kissing in Hindi cinema? I think it has to be anything to do with Ranbir Kapoor. Matar Gashti, Khuli, Sadak Pe. I mean, anything with Ranbir Kapoor. I like that part. In Dhoom 2. They look magical on screen. They look amazing. And Hrithik looks nice with Katrina Kaif also in Zindagi Na Milegi Dobara. Reruns pe dekh sakte hain kai baari sequence. Hrithik to hum hone se rahe. Katrina hamare paas hai nahi. To kya karenge? Dekhenge. Enjoy karenge. Enjoy karenge. And also Kalki Kochin, if you see. And yes. Sayami. And Sayami. In Margarita with a Straw. In Black also, Amitabh Bachchan and Rani Mukherjee. That was cinematically beautiful. Aesthetics the scene mein sab sundar tha. Usme kuch gandagi kahin nahi thi. I think Parineeti Chopra and Vani Kapoor both had kissing scenes in Shuddh Desi Romance. किस किस में हम सब खेल गए आइए खेलें खेला किसका किस किस को प्यार करूं बिग किस टू ऑल ऑफ यू होप यू एंजॉय दिस सेगमेंट ग्रेस एंड पीस प्रिया सुनो ना एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए क्या है हम आपके हैं कौन Oh, nice one. Tricky start. Well, some films are golden, yes. Right? And I think 22 years is a long, long time. And I can't believe that it's been 22 years. Imagine that. Since Hum Aapke Hai Kaun. The film, of course, was directed by Suraj Barjatia. He's a very family-oriented man, makes great family dramas. Salman Khan, the lovely Madhuri Dikshit, it had Renuka Shahane, it had Manish Behl. It had a stellar cast, yeah. It had huge all cast. The fun bunch. Costumes and everything was so perfect. I remember those all the dresses that Madhuri Dikshit wore. Yeah. In the film and tried to like imitate. The sari, imagine. Yeah. The yellow sari that she wore in my. And even the Jute Do Paise Lo, that... Paise Do Jute Lo, Jute Do Paise Green. Can you believe it? We still remember every costume Madhuri Dikshit wore. It was the starting of a unique genre. Yeah. It was the starting of great Indian family dramas. Uske baad bahut sare Indian family drama bane. But I don't think anybody could actually match the success of Hum Aapke Hain Kaun. Even in Dilwale Dulhan Le Jayenge, I feel like, you know, Aditya Chopra was inspired by Hum Aapke Hain Kaun. You know, the family thing and everything. I think if there was one film, actually, rightly said, Riya, if it was able to do any kind of justice to that kind of a genre, was Dilwale Dulhan Le Jayenge. And this film is a reprisal. मतलब इन्होंने पहले नदिया के पार बनाई थी प्रजातीय प्रोडक्शंस की थी उसके बाद इस पिक्चर को वापस रिक्रिएट किया गया एक बड़े कैनवस के साथ लिखा गया इट गॉट रिलीज्ड इन थिएटर इन बॉम्बे ओनली एंड इट रैन फॉर 125 वीक्स लिबर्टी सिनेमा राइट लिबर्टी सिनेमा एंड देन देयर वाज दिस थिएटर इन लंदन वहां पे एक प्रॉब्लम हो गई थी कि दे वांटेड टू रेनोवेट द थिएटर एंड दिस इज अ वेरी नाइस फैक्ट They wanted to renovate the theater, and उन्होंने push कर दिया renovation because they wanted to run this film. And the film ran for 70 weeks. 3 घंटे और 43 मिनट की कुछ फिल्म थी ये. It had transition, so it was not like a one-dimensional story. We could see romance, we could see family drama, but the emotions also in the film were so beautifully portrayed that you know you are in a dilemma that you know whether you should support the actress or just like. Go with like ethical drama or emotion तो भरपूर था injection देते हैं वो बढ़ जाती है वो injection देते हैं audience को भी injection देते हैं कि मतलब उसके बाद but there was a little thrill also in the film little thrill in the film was like what's gonna happen now any of your favorite songs in the entire 14 गानों से पहला पहला प्यार है choreographed so well both love fantastic dancers my favorite was Mayini Mai I also like this beautiful Mayini Mai mundir pe teri Very beautiful. And Dheere Dheere Devar Diwana was such a hit. Yeah, in such every a hit. Wedding, this was like the wedding song. Achha, but tell me something. A question for you guys is, does it have good repeat value? Would you watch it again? Absolutely. Sorry. These films are golden films and that's why it ran for so long. Barjatia ji, aapne achha khela is picture ke saath. Sabko phasa diya. Picture ne paisa bhi kamaya aur reviews bhi kamaya. Sabko ghoobna chaya.
प्लीज राइट टू अस ऑन आवर फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल. आप बताइए आपको 14 में सबसे अच्छा गाना कौन सा लगा. कोई भी अच्छा नहीं लगा, सारे अच्छे लगे. कौन कौन से अच्छे लगे, बिकॉज इन दोनों ने अपनी ख्वाहिशें जाहिर कर दी गानों के साथ. और शेयर कीजिए एपिसोड. पसंद आए तो थम्स अप, नहीं पसंद आए तो दो थम्स अप. एंड यू कैन मेल अस एट tiimcshow@gmail.com. अंटिल नेक्स्ट टाइम, ta-ra.